Hello dear children, today we are going to solve practice set 1.2 class 8 maths. Question number 1, compare the following numbers. अभी यहाँ पे हमें comparison करना है दोनों number का जो rational numbers दिए गए हैं. अभी rational number किस प्रकार से comparison करना है उसके लिए कुछ important rules है. First rule देखते हैं, इस प्रकार से देखो, if a upon b and c upon d are rational numbers. यदि ये दोनों क्या है, rational numbers है. तो फर्स्ट कंडीशन है इफ a मल्टीप्लाई बाय b इज ग्रेटर देन b मल्टीप्लाई बाय c. यानी यहाँ पे इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट डाउन किया है. यदि a मल्टीप्लाई बाय b d ग्रेटर है किससे, b मल्टीप्लाई बाय c से ग्रेटर है, तो a अपॉन b इज ग्रेटर देन c अपॉन d. सेकंड कंडीशन है a मल्टीप्लाई बाय d इज लेस देन b मल्टीप्लाई बाय c, देन a अपॉन b लेस देन c अपॉन d. इस प्रकार से यदि ये a अपॉन d लेस है तो यहाँ पे a अपॉन b लेस बन जाता है. यदि दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल है तो दोनों यानी a अपॉन b और c अपॉन d दोनों कैसे है, इक्वल है. ये इम्पोर्टेंट रूल्स हमेशा याद रखना चाहिए. अभी यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया है तो यहाँ पे हमें कोई भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है. यहाँ सिंपल से नंबर्स दिए है, निगेटिव नंबर है जिसको हमें कंपेयर करना है. तो इस प्रकार से यहाँ पे यदि हम नंबर लाइन देखते हैं तो नंबर लाइन पे सेंटर में होता है जीरो, जीरो के राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड को सब निगेटिव नंबर होते हैं. इस प्रकार से हमने यहाँ पे नंबर्स राइट डाउन किए हैं. अभी हमें देखना है यहाँ पे माइनस सेवन नंबर है और यहाँ पे माइनस टू, ये है यहाँ पे माइनस सेवन और यहाँ पे माइनस टू. यानी अभी यहाँ पे जीरो जीरो से लेके यदि हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो एक एक अंक बढ़ रहा है. यानी जो डिजिट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. वन टू थ्री, यानी वन से बड़ा टू है, टू से बड़ा थ्री है, थ्री से बड़ा फोर है. इस प्रकार से राइट हैंड साइड की तरफ ये इंक्रीज हो रहे है. अभी यहाँ पे जब हम जीरो के लेफ्ट की तरफ जाते है तो क्या हो रहा है, माइनस वन है तो उससे छोटा माइनस टू है, उससे छोटा माइनस थ्री है, उससे छोटा माइनस फोर है, उससे छोटा माइनस फाइव है. इस प्रकार से यहाँ पे कम कम हो रही और इस साइड राइट हैंड साइड को उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है. इसलिए अभी यहाँ पे माइनस सेवन है और माइनस टू है, तो यहाँ पे माइनस सेवन है और यहाँ पे माइनस टू है. तो यदि हम माइनस सेवन और माइनस टू को देखते हैं तो माइनस टू नंबर माइनस सेवन से कैसे हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि जीरो से माइनस टू पास में है, जीरो से माइनस सेवन बहुत दूर पे है. इसलिए ये जो नंबर जो जीरो से पास में है वो नंबर हमेशा बड़ा होता है और जीरो से बहुत दूर है, जीरो के लेफ्ट की तरफ माइनस सेवन है और ये माइनस टू जो नंबर है जीरो के पास में है, इसलिए ये माइनस टू नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया. किससे, माइनस सेवन नंबर से. इसलिए माइनस सेवन इज लेस देन माइनस टू. इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. सेकंड एग्जांपल देखते हैं जीरो कॉमा माइनस नाइन अपॉन फाइव. यहाँ पे ये जो रैशनल नंबर दिया गया है ये निगेटिव है और यहाँ पे जीरो नंबर दिया गया है, तो निगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है. इसलिए जीरो नंबर क्या बन गया, ग्रेटर बन गया. जीरो इज ग्रेटर देन माइनस नाइन अपॉन फाइव. थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे थर्ड एग्जाम्पल, एट अपॉन सेवन कॉमा जीरो. अभी यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर है और यहाँ पे जीरो दिया गया है, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है, जीरो से ये बड़ा नंबर बन गया. इसलिए एट अपॉन सेवन इज ग्रेटर देन जीरो. यदि यहाँ पे ये निगेटिव नंबर रहता था तो जीरो बड़ा हो जाता था, जीरो ग्रेटर रहता था, लेकिन ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए ये जीरो से क्या हो गया, ग्रेटर. यहाँ पे कंडीशन अलग थी, यहाँ पे ये निगेटिव नंबर था, इसलिए यहाँ पे जीरो ग्रेटर हो गया ये निगेटिव नंबर से. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, माइनस फाइव अपॉन फोर और वन अपॉन फोर. अभी ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये जो ऊपर वाले जो नंबर है इनको हम कंपेयर करेंगे. तो यहाँ पे माइनस फाइव अपॉन फोर और यहाँ पे वन अपॉन फोर दिया गया है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर नंबर क्या है, माइनस फाइव है और वन है. ये निगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है,
इसलिए निगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से, इसलिए ये 1/4 नंबर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया किससे, -5/4 से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5th, 40/29 और 141/29। अभी यहाँ पे दोनों नंबर का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, तो अभी जो ऊपर वाले जो नंबर है इनका जो न्यूमरेटर है इसको हम कंपेयर करने वाले हैं, ये दोनों नंबर। तो अभी यहाँ पे है न्यूमरेटर 40 और यहाँ पे है 141, तो 141 नंबर जो है बड़ा है क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, इसलिए राइट डाउन करेंगे 40/29 <141/29। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, -17/20, -13/20। अभी यहाँ पे जो दोनों नंबर है, दोनों नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, सेम है। अभी यहाँ पे दोनों नंबर तो निगेटिव नंबर से, तो अभी यहाँ पे -13 है और यहाँ पे -17 है, तो -13 के लेफ्ट में -17 आता है, यानी 0 के पास में -13 आ रहा है, -17 थोड़ी दूरी पे है, इसलिए हम राइट डाउन करेंगे -17/20 -13/20 से, क्योंकि ये जो -13 नंबर है 0 के पास में है, -17 से ज्यादा पास में कौन नंबर है, -13 नंबर 0 के पास है, इसलिए -13 नंबर ग्रेटर बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 15/12, 7/16। अभी यहाँ पे दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 15/16 और 7/12, इस प्रकार से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो 16/5 = 80, कैरी 8, 16/1 = 16 और 8 = 24 और 12/7 = 84, 240 ग्रेटर हो गया। देयरफॉर 15/12 > 7/16। इस प्रकार से जो हमने रूल्स देखे थे उस रूल के हिसाब से हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, -25/8, -9/4। अभी दोनों नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना होगा। तो यहाँ पे 4 नंबर है, यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो क्या बन जाएगा, देखो अभी यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे हमें -25/8, -18/8। अभी दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल बन गया, तो अभी देखते हैं ऊपर वाले नंबर, यहाँ पे -25 है और यहाँ पे -18 है, तो -18 0 के पास में है, इसलिए -18/8 जो नंबर है ग्रेटर हो गया। देयरफॉर -25/8 < -9/4। इस प्रकार से हम राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे 9th नंबर का एग्जांपल है, 12/15 और 3/5, दोनों नंबर को हमें कंपेयर करना है, इसका डिनोमिनेटर है 15, इसका है 5, तो अभी इसको डिनोमिनेटर हमें इक्वल बनाना है, तो इसको यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें नंबर क्या मिल जाता है, देखो यहाँ पे 15 बन जाएगा और यहाँ पे 9 बन जाएगा। देखो किस प्रकार से 12/15, 9/15। तो अभी यहाँ पे दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम बन गया, इसलिए हम जो ऊपर वाले जो नंबर है इनको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 9 है, तो 12/15 > 9/15। तो राइट डाउन करेंगे प्रॉपरली, 12/15 > फर्स्टली नंबर दिया था 3/5, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 3/5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10, -7/11, -3/4। अभी दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, -7/4 और -3/11। 7/4 = 28, -28 और यहाँ पे -33। अभी दोनों नंबर को यदि हम देखते हैं तो -28 ग्रेटर हो गया -33 से, इसलिए जो हमने रूल्स देखे थे स्टार्टिंग में, तो इसलिए उस रूल से हम राइट डाउन करेंगे -7/11 > -3/4। इस प्रकार से हमने यहाँ पे
कंपैरिजन कंप्लीट किया है। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।